हेलो फ्रेंड्स, मेरी चैनल टैक्स टॉक में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से हम टेक्सेल में ही ऑटो टैक्स की तरह व्यू इंसर्ट कर सकते हैं। अभी वो वीडियो था सिर्फ व्यू इंसर्ट कैसे करना है, उसकी प्रोसीजर क्या है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्योंकि व्यू डालने के बाद हमें बीएमपी फाइल चाहिए, तो वह बीएमपी फाइल हम कैसे निकाल सकते हैं पूरे डिजाइन की, तो वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और लोगों तक मेरे ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, ये पिछली वीडियो में हमने कुछ इस प्रकार से व्यूइंग ऑलरेडी करके रखा था। अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने तो व्यूइंग ऑलरेडी कर दिया है क्योंकि हमने वहाँ पर कलर चूज किया था 0 नंबर का। अभी हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं ग्राउंड का एक कलर जो कि व्हाइट कलर दिखा रहा है, और दूसरा जो ये कलर व्यूइंग में दिखा रहा है वो हम लेने वाले हैं जरी का मोटिफ के डिजाइन के हिसाब से। तो अभी हमें क्या करना होगा, देखिए सारे कलर में हमने व्यूइंग डाल दिया है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कलर बकेट में जाइए, आप ऑल कलर कर लीजिए, इसमें से कोई भी एक कलर चूज करिए और सभी को एक ही कलर सा कर दीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से मैं सभी कलर में, यहाँ पे ग्रीन कलर है तो इसको भी मैं येलो कर रहा हूँ, इस कलर को भी येलो कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं येलो कर रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं येलो कर रहा हूँ। तो देखिए सारी स्क्रीन में अभी दो ही कलर दिखा रहा है, एक तो है हमारा ग्राउंड का कलर व्हाइट और दूसरा कलर है जो हमारा येलो, और उसमें हमने व्यूइंग कर रखा है ब्लैक कलर का। तो देखिए अभी इसको आपको क्या करना है, कलर रिड्यूस कर लेना है सबसे पहले, ताकि यहाँ पे आपकी जो कलर प्लेट है उसके अंदर हमें जो कलर है वो ही दिखाए, एक्स्ट्रा कलर ना दिखाए। फिर इसी को आपको सेव कर लेना है और पिछले वाले को आपको कैंसिल कर देना, ताकि आपके पास एक ही पैलेट में एक ही आपका फाइनल प्रोडक्ट रहे। फिर अभी देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो मेरा अभी प्रोडक्ट बन चुका है लेकिन इसमें अभी व्यूइंग कंप्लीट नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ डिजाइन के एडिट किए हुए पार्ट के अंदर व्यूइंग किया था। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम टेक्सेल में बना रहे हैं, ऑटो टेक्स में नहीं बना रहे, तो अभी आपको करना पड़ेगा इसका क्रिएशन डेस फाइल का। देखिए टूल्स में जाना है, सेम टू सेम प्रोसीजर है लेकिन इसमें थोड़ा अलग होगा, क्योंकि हम जो डेस फाइल करते थे उसमें हम व्यू नहीं डालते थे, इसमें हमने व्यू डाल दिया है, तो इसमें थोड़ा अलग सा रहेगा, देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, वार्प हमारा एक ही है तो उसमें कोई भी सेटिंग में चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम रखना है। वेफ्ट में जाना है, आप वहाँ पे 1.2 कर देना है, उसके बाद आपको वेफ्ट में जाना है, सेम प्रोसीजर है। 1.2 करने के बाद आपको यहाँ पे दो फीडर चलने वाला है, दो बाना चलने वाला है, तो आपको यहाँ पे 3 लेना है। फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इसका डेस फाइल के अंदर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसी प्रकार से कुछ कर लेना है। अब आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे पहला कलर है तो उसमें आप पहला कलर डालोगे, यहाँ पे देखिए दूसरा कलर है तो आप इसके अंदर दूसरा कलर डालोगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दो कलर तो डाल दिया है लेकिन व्यूइंग का जो ब्लैक कलर है वो कहाँ पे डाले, तो देखिए उसको आपको कहीं पे भी इंसर्ट नहीं करना है, आपको एज इट इज वैसे का वैसा छोड़ देना है। अभी आपको सिंपल क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है, फिर इसको सीक्वेंस में जाके सिंपली आपको पेस्ट कर देना है, फिर यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है, फिर आपको ये डेस फाइल की डेफिनेशन को सेव कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे सेव एज करके आपको देखिए यहाँ पे डिजाइन 01 करके मैं सेव कर लेता हूँ डेस फाइल। तो देखिए अभी मेरी ये डेस फाइल सेव हो चुकी है, देखिए यहाँ पे मेरी डेस फाइल बनके सेव हो चुकी है। अभी इसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, आपको प्रोडक्ट क्रिएटर में जाके वही डेस फाइल के अंदर आपको व्यूइंग भी करना है, लेकिन व्यूइंग कैसे करोगे वो इसमें आपको देखना है, क्योंकि वो व्यूइंग से ये पूरा डिफरेंट है। देखिए यहाँ से आप डेस फाइल आपने जो बनाई है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, तो देखिए यहाँ पे मेरी डेस फाइल प्रीव्यू में भी दिखा रहा है, आप यहाँ से प्रीव्यू का ऑप्शन बंद भी कर सकते हो और ऑन भी रख सकते हो। तो ये खत्म होने के बाद आप ओके कर लीजिए, फिर आपको यहाँ पे आपके जो मशीन के सेटअप के हिसाब से जो आपके पास लूम फाइल है वो आपको ले लेनी है। तो देखिए मैं अभी मेरे मशीन के सेटअप से हिसाब से मेरे पास यहाँ पे 580 हुक्स डिजाइन के हैं, तो मैं यहाँ पे 580 प्लस की कोई भी डेस फाइल के लिए एनसीएल फाइल यानी कि लूम फाइल लेने वाला हूँ। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे 672 की लेने वाला हूँ जो कि मेरे लिए चलने वाली है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे 3 फीडर दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि चलने मेरे 2 ही वाले 1-2, 1-2, 1-2, लेकिन यहाँ पे हमारे 3 कलर दिखा रहे हैं, तो आपको करना क्या होगा व्यूइंग के लिए, तो देखिए ये वाला पोर्शन आपको अच्छे से देखना है, अगर नहीं पता चले तो रिपीट कर करके देखना, लेकिन
इसके बाद अगर आप इसमें पता नहीं चला तो आप नहीं सीख पाओगे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे सारे पोर्शन के अंदर अलग अलग विविंग करके रख दिया है। तो अभी क्या है, देखिए आपको यहाँ पे जो ब्लैक कलर का डॉट्स दिख रहे हैं वहां पे आपको कुछ इस प्रकार से पूरा इन्वर्ट कर देना है, यानी कि आपके अंदर के बॉक्स को व्हाइट की जगह रेड कर देना। रेड होने के बाद इसका मतलब ये होगा कि वहां पे वार्प का यान अप आएगा और वेफ्ट का यान डाउन हो जाएगा। फिर आप देखिए येलो पोर्शन में आ जाइए सबसे पहले। अभी देखिए येलो पोर्शन में मैंने वीविंग कर दिया, तो अभी येलो पोर्शन में क्या करना रहेगा, येलो पोर्शन यानी कि मेरा जरी का फीडर, यानी कि दो नंबर का फीडर मेरा येलो पोर्शन है और एक नंबर का फीडर मेरा ग्राउंड का है। तो मुझे ग्राउंड में अप डाउन तो यूज करना ही करना है, तो मैंने अप डाउन इंसर्ट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, जरी वाले पोर्शन के अंदर ऑलरेडी मैंने टेक्सेल में ही वीविंग कर दिया है, तो अभी इसके अंदर मुझे वीविंग नहीं करना है, तो मुझे इसको एज इट इज ऐसे का ऐसे रहने देना है। तो ये मेरा वीविंग हो चुका है इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको कोई भी व्यू नहीं डालना है, इसको इन्वर्ट नहीं करना है, वैसे का वैसे प्लेन छोड़ देना है, यानी कि आपने ऑलरेडी जो व्यू किया है वो आपके डिजाइन के अंदर आ जाएगा। अब आपको क्या देखना है कि व्हाइट कलर का जो पोर्शन है वो मेरा ग्राउंड चल रहा है, तो उसमें हम क्या करते थे कि ग्राउंड के अंदर हम प्लेन का व्यू इंसर्ट कर देते थे और बाकी जो दूसरा यानी कि हमारा जरी का फीडर चल रहा है उसको हम कर देते थे इन्वर्ट। तो देखिए कुछ इस प्रकार से आपका वीविंग हो चुका है। ये बड़ा इजी था, लेकिन अगर पता नहीं चल रहा है तो वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, वापस देखिए, ताकि आप इजी वे में समझ पाए। फिर आपको क्या कर लेना है, क्योंकि हमें डिजाइन उल्टी चलानी है और मशीन पे कहीं फंस ना जाए हमारे यान, इसके लिए आपको यहाँ पे ऑल इन्वर्ट कर देना है। फिर आपको जाना है यहाँ पे सेल्वेज वाले ऑप्शन में, सेल्वेज वाले ऑप्शन में जाके इवोल्यूशन मोड में यहाँ पे जाके आपको डिजाइन में डिजाइन कर लेना है, और फिर आपको यहाँ पे भी अपने हिसाब से जो भी सेल्वेज के अंदर चाहिए वो आप डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फिर आपको वीविंग इवोल्यूशन में जाके आपको स्केल का डिजाइन कर लेना है, फिर अप्लाई कर देना है, फिर आपको कर देना है ऑन ऑफ में जाके यहाँ पे पहला पोर्शन नो दूसरा यस। ओके, तो देखिए अभी मैं हर बार जो बताता हूँ कि यहाँ पे जो ऑरेंज वाला पोर्शन होना चाहिए वो मेरा ग्रीन हो जाना है, लेकिन नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे अभी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, द लूम विड्थ इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ डिजाइन विड्थ, क्योंकि मैंने अभी देखिए मेरी लूम विड्थ है 7672 की। देखिए यहाँ पे मेरी जो लूम फाइल है वो मेरी है यहाँ पे 672 की और मेरी डिजाइन की लेंथ है 580 की, तो वो मेरी मैच नहीं हो पा रही। लेकिन आप कब जब लूम फाइल यूज करो तो वही डिजाइन का लूम फाइल यूज करना। मैंने अभी सिर्फ आपको डेमो सैंपल के लिए दिखाया है ताकि मेरी डिजाइन ओके हो जाए, क्योंकि यहां तक भी डिजाइन ओके है। अगर ये ऑरेंज रहेगा तो भी डिजाइन चलेगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा, 100% डिजाइन आपका ओके नहीं होगा। ठीक है, अभी देखिए मुझे काफी कमेंट्स आए थे कि सर जी इसमें करके दिखाइए ऑटोटेक्स की वालों की तरह, तो मैंने ये करके दिखा दिया। अब ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा उसके लिए मैं आपको सिमुलेशन भी दिखाऊंगा अभी के अभी। तो देखिए अभी सिमुलेशन के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे यान का कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे ग्राउंड पे व्हाइट यान यूज करने वाला हूँ और मैं यहाँ पे इसका विड्थ भी डाल दे रहा हूँ। फिर वेफ्ट के अंदर दूसरा यान मेरा रहेगा येल्लो, क्योंकि मैं येल्लो भी डाल रहा हूँ यहाँ पे और इसका भी विड्थ मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। फिर मेरा वार्प के अंदर यान रहेगा ब्लैक कलर का, तो देखिए ऑलरेडी ब्लैक कलर है, फिर भी मैं ब्लैक कर रहा हूँ, वो भी अगर कहीं पे कोई इसके शाइनिंग या तो फिर टेक्सचर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना करे इसके लिए। देखिए अभी मेरा यहाँ पे पिक है 58 का, वो है मेरा ग्राउंड का पिक, लेकिन मैंने मोटिव का पिक नहीं लिया, तो मुझे यहाँ पे जाके ग्राउंड के पिक को डबल करना पड़ेगा, 58 × 2 करना पड़ेगा जो कि है 116, तो मुझे मैं यहाँ पे 116 इंसर्ट कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए सिमुलेशन में जाना है आपको, नॉर्मली यहाँ पे ओरिजिनल कर देना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूरा डिजाइन का विड्थ 580 है और पूरे वेफ्ट है मेरे 936, तो यहाँ पे दिखा रहा है। फिर आपको यहाँ पे से सिंपली अपडेट कर लेना है, तो पूरा आपका डिजाइन जैसे हमने बनाया वैसे दिखेगा। देखिए डिजाइन अभी उल्टा दिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे डिजाइन के अंदर डिजाइन उल्टा कर दिया है, लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट फ्रंट और बैक दोनों देख सकते हैं। देखिए अभी डिजाइन उल्टा आया है, पीछे का जो साइड है वो आया है, लेकिन हम यहाँ से फ्रंट भी कर लेंगे तो आपको फ्रंट साइड भी दिख जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से मेरा डिजाइन अभी दिख रहा है। देखिए हमने जो यहाँ पे वीव इंसर्ट किए थे वो सारे के सारे एज इट इज दिख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे करके रखे थे। देखिए ये वाला पोर्शन में अभी यहाँ
यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि आप इजीली देख सको। देखिए मैंने अभी जो यहाँ पे पोर्शन में यूज किया था वो सेम वाला पोर्शन यहाँ पे दिख रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे अभी डायमंड व्यू यूज किया था, इसी तरह से देखिए डायमंड दिख रहा है। यहाँ पे साटिन व्यू यूज किया है मैंने इस पोर्शन के अंदर, तो देखिए यहाँ पे साटिन व्यू भी दिख रहा है। यहाँ पे डायमंड है तो यहाँ पे भी डायमंड दिख रहा है। ये ट्विल यूज किया है तो ये ट्विल भी इजीली यूज किया हुआ हमें दिख रहा है। देखिए ये वाला ट्विल यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो यहाँ पे जिगजैग है वो भी यहाँ पे जिगजैग इजीली दिख रहा है। देखिए ये वाला यहाँ पे जिगजैग यूज किया है, वो वाला भी जिगजैग यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने जो वीविंग करके रखा है डायरेक्ट एक्सेल के अंदर, और फिर इसका टेस्ट फाइल बनाया जो कि इजीली बन गया, फिर इसका पीडीसी फाइल बनाया और मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे, वो भी इजीली बन गया। तो अब आपको ऑटोडेस्क के अंदर डायरेक्ट एडिट करने के बाद, ये करने के बाद डायरेक्ट आप पीडीसी इसमें से ही बना सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे सकूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करिए ताकि मुझे भी एक फीडबैक मिले और मुझे भी ऐसा लगे कि मुझे और वीडियो इसी टॉपिक पे बनाने चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरे लिए फीडबैक साबित होने वाला है, क्योंकि मुझे एक अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगा कि मैं इसी तरह के नए वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।